चीख थी, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई। वो आंटी, हमने सोचा कि इस घर में कोई रहता नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा भूत, लेकिन आप। क्या मैं तुम्हें भूत दिखाई देती हूँ? अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो कुछ खा पी कर जाओ, भूत ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख तो लग ही गई होगी, है ना? मेरी बैटरी भी लो है। हेलो हेलो दीदी, प्रीति मैं बोल रही हूँ, समीरा तुम्हारी दीदी की कोलीग, वो गलती से अपना फोन यहाँ छोड़ गई। ओह नो, क्या हुआ? वो एक्चुअली आज कोई घर पर नहीं था। कौन सा बंगलो, एड्रेस बताओ। देखो प्रीति, उस बंगले में बिल्कुल मत जाना। अभी मेरी बैटरी बहुत लो है, मैं बाद में आपको। हेलो प्रीति, हेलो अंदर कैसे गए? डरो मत, आओ। तुम लोग स्वीट्स खाओगे ना? नहीं, हमें भूख नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था, मुझे नहीं पता था कि नाइट्रोजन और सोडियम साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं। पता है उस दिन मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन ये एनर्जी है ना, बड़ी पावरफुल है। समीरा, समीरा, इतनी देर हो गई, मंजू अभी तक अंदर से आई क्यों नहीं? फोन करने गई होगी, आ जाएगी। तुम ये मिठाई खा लो। मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं खाना है। खाओ। इतनी देर क्यों लगा रही है फोन करने में? मुझे छोड़ दो।
जादुई शक्ति है जो मुझे इस बंगले में जाने से रोक रही है। इस मधु का राज जानने के लिए मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आजाद हो गया। आजाद तो तुम हो ही जाओगे। पहले ये बता, इस मधु चुड़ैल के बारे में क्या जानते हो? वो एक मधुमक्खियों की रानी थी। उसने बहुत जतन करके अमर होने का वरदान मांगा। वरदान तो उसे मिल गया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका चेहरा खराब होता चला गया। अगर वो 100 साल तक जिएगी, लेकिन एक बुढ़िया की तरह। उसने पैशाची शक्तियों से मदद मांगी और हर 2 दिन में इंसान का मीठा खून पीना शुरू कर दिया, जिससे वो एकदम जवान और खूबसूरत बनी रहेगी। तो ये बात है, लेकिन उसके बंगले के बाहर ये कवच क्या है? जब तक तुम्हें बुलाया नहीं जाए, तुम उस घर में नहीं घुस सकती। और उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? पहले उसके साथ हिताया और पाया को खत्म करना होगा। उसे मारने के लिए उन दोनों को अलग करके एक साथ वार करना होगा। और डंक उसका सबसे जहरीला अंग है। उसे तुम किसी चीज में अटका के उसके डंक को काटना होगा। और मधुमक्खी रानी की पूरी शक्ति एक लाल पत्थर में कैद है। वो लाल पत्थर एक संदूक में रखी गई है। उस पत्थर को अगर रगड़ोगे तो वो आग पकड़ लेगी। वो जलते हुए पत्थर को रानी के ऊपर फेंकोगी तो रानी जलने लगेगी, फिर वो मर जाएगी। अब तो तुम मुझे आजाद कर दोगी ना? भूत कैद में ही अच्छे लगते हैं। तुम्हें छोड़कर मैं दुनिया में और आतंक क्यों फैलाऊं? लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। मैं सुधर गया हूँ। मैं कुछ भी करूंगा। प्लीज छोड़ दो।
हमारी रानी की जवानी की दवा हो तुम लोग। अब 4-5 दिन तक हमें कोई शिकार नहीं ढूंढना होगा। उसको पका दे। नहीं, उसके सौंदर्य की बहुत सारी कमियां, जाओ उसे अंदर ले आओ। जी बचाओ। आइए। समीरा, आने में इतनी देरी हो गई? वो हमारी पार्लर की आंटी है ना, मिसेस मलकानी, उनसे मेरा झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और आप तो जानती हैं मैं कितनी अच्छी ब्यूटिशियन हूँ, तो मैंने सोचा आप शायद कोई मुझे नौकरी दिला दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम यहाँ पहली बार आई, थोड़ा आराम करो। कुछ खाओगी? नहीं थैंक यू। इनके लिए मिठाई लाओ। आपकी शक्ल इस तस्वीर से बहुत मिलती है। या कि दादी? नहीं, दादी तो नहीं हो सकती, 200 साल पुरानी है, लेकिन मिलती जरूर है। आपके चेहरे पे तो कोई भी झुर्रियां नहीं है, लेकिन इस पेंटिंग पे है। नहीं, इसके चेहरे पे झुर्रिया नहीं है। है ना, देखिए, और आंखों के नीचे काला भी है। नहीं 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 हो सकते मैडम, है ना, देखिए तो, और वहां मुंह के पास भी उम्र की लकीरें हैं और बालों में भी वो उम्र की सफेदी के छींटे हैं, देखिए ना। नहीं नहीं हो सकते, इसके चेहरे पे झुर्रिया नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि वो मैं हूं। कौन थी? हर आंधी से पहले खटा चलती, हर तूफान से पहले बिजली कड़कती, मैं हूं बिजली। दाया बाया डंक। ध्यान रहे, इसे जान से मत मारना, मुझे इसका खून चाहिए।
ये क्या मारा इसे और लगा दूसरे को? घर में कहीं कोई छोटा संदूक होगा, उसे ढूंढ कर लाओ। तब तक मैं इसे देख। ठीक है। प्रीति, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। जल्दी। हाँ। मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी जल्दी इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला। चलो संदूक मिल गया। खोलो उसे। वो पत्थर मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसको जान दूँ। छोड़ दो उसे। देखो मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगी, मेरे सामने हार मान, वरना मैं तुम्हें अपनी कैद में ले लूं। मैं हार मानने वाली नहीं। वो पत्थर मुझे दे दो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।